ये गाड़ी है और ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं करीबन चार चार दिनों से ये गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ये ड्राइवर भाई है, ये बताएंगे आपको कितने दिनों से फंसे हुए। हाँ ड्राइवर साहब, कितने दिनों से फंसे हुए? 27 तारीख से, आज कितनी 2 तारीख हो गई है, 2 तारीख हो गई, यानी कि 5-6 दिन हो गए आपको। 5-6 दिन हो गए। लोकल की गाड़ियाँ अंदर चली जाती हैं, बाहर की गाड़ियाँ खड़ी रहती है। आपने जहाँ जाकर गेट पर बात करी ही नहीं करी, क्या बोल रहे हैं ये लोग? रात के 3 बजे खुलेगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। यहां लगा गाड़ियों का जाम, माल से भरी गाड़ियां खाली करने को नहीं जगह। देख रहे हैं, ये है कोटा मंडी भमसा, यहां पर चार चार दिनों से लगा गाड़ियों का जाम। और मैं आपको बता दूँ, गाड़ी वाले इतने परेशान हो रहे हैं कि चार चार दिन में गाड़ियाँ खाली हो रही हैं। दिक्कत ये हो रही है कि पर डे सुबह 3 बजे गाड़ियों के लिए गेट खोला जाता है और 6 बजे बंद कर दिया जाता है, जिसमें से 120-130 गाड़ियां अंदर लेते हैं, उसके बाद गेट दोबारा बंद कर दिए जाते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में लगा है जाम, आप देख सकते हैं कितना बड़ा जाम है। ड्राइवरों को हो रही है अत्यंत परेशानियाँ, कोई भाई की गाड़ी खराब हो जाती है तो कोई भाई की बैटरियां डाउन हो जाती हैं। ये जो आप यहाँ गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हैं, ये कोई प्रोटेस्ट या धरना नहीं है, ना ही कोई विद्रोह है, बल्कि ये एक मजबूरी है। जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे वहाँ तक ट्रक ही ट्रक दिखेंगे। अब बताते हैं आपको कि यहाँ क्या मजबूरी है। दरअसल ये जगह है राजस्थान का भमासा मंडी कोटा। यहाँ 29 तारीख को 1000 से भी ज्यादा गाड़ियाँ आई थी, लेकिन यहाँ 4 दिनों से गाड़ियों की भीड़ कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। गाड़ियाँ धान से भरी हैं। दरअसल ड्राइवरों का कहना है कि यहाँ सुबह 3 बजे गेट खुलता है और 6 बजे बंद होता है, जिसमें 120 गाड़ियाँ अंदर ली जाती हैं। वजह है कि अंदर माल खाली करने की जगह ही नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हर तरफ बोरियों के ढेर लगे हैं और माल खाली करने के लिए जगह नहीं है। गाड़ियों की लाइनें लगी हैं, 4 दिन से गाड़ियां खड़ी हैं। ड्राइवरों का कहना है कि यहां पर जो लोकल गाड़ियां हैं उनको अंदर ले लेते हैं और बाकियों को पूछते तक नहीं। साथ ही अगर ट्रांसपोर्टर और गाड़ी मालिक को फोन किया जाता है तो वो कहते हैं कि खड़े रहो, गाड़ी खाली हो जाएगी। ड्राइवर दिन रात यहां परेशान हो रहे हैं। यहां कोई सुविधाएं नहीं है, ना ही कोई पूछने वाला है। पर अगर जगह नहीं है तो गाड़ियां उतनी ही मंगानी चाहिए थी जितनी जगह है। ड्राइवर परेशान हो रहे हैं, गाड़ियां खड़ी खड़ी खराब हो रही है, माल खराब हो रहा है, लेकिन कोई भी परेशानी सुलझाने वाला नहीं है। फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 9831 9831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।